नमस्ते बच्चों, एक्ट शारदा पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा दूसरी के लिए विसर्ग की मात्रा के बारे में बताऊंगी, जिनमें दो गतिविधियां हैं। इनके उद्देश्य है बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी, बच्चे वर्णों को मात्रा के साथ जोड़कर लिखने तथा शब्दों का उच्चारण करने में समर्थ होंगे। हमारी पहली गतिविधि है वर्णों को विसर्ग की मात्रा के साथ जोड़कर लिखिए। तो चलिए बच्चों, अब हम वर्णों को विसर्ग की मात्रा के साथ जोड़कर लिखेंगे। क अधिक विसर्ग की मात्रा कह, ख अधिक विसर्ग की मात्रा ख, ग अधिक विसर्ग की मात्रा गह, घ अधिक विसर्ग की मात्रा घ, च अधिक विसर्ग की मात्रा चह, छ अधिक विसर्ग की मात्रा छह, ज अधिक विसर्ग की मात्रा जह, झ अधिक विसर्ग की मात्रा जह, ट अधिक विसर्ग की मात्रा टह, ठ अधिक विसर्ग की मात्रा ठह, ड अधिक विसर्ग की मात्रा डह, ढ अधिक विसर्ग की मात्रा ढह। तो बच्चों, इसी तरह से आपको ये गतिविधि पूर्ण करनी है। हमारी दूसरी गतिविधि है नीचे दिए गए वर्णों को विसर्ग मात्रा के साथ जोड़कर लिखिए। तो चलिए बच्चों, अब हम वर्णों को विसर्ग की मात्रा के साथ जोड़कर नए शब्द बनाएंगे। अ अधिक त अधिक विसर्ग की मात्रा अतः, न अधिक म अधिक विसर्ग की मात्रा नमः, पु अधिक न अधिक विसर्ग की मात्रा पुनः, भ अधिक व अधिक विसर्ग की मात्रा भव, अधिक त अधिक विसर्ग की मात्रा अंततः, स्व अधिक त अधिक विसर्ग की मात्रा श्वत, ग अधिक ज अधिक विसर्ग की मात्रा गज, फ अधिक ल अधिक त अधिक विसर्ग की मात्रा फलत। तो बच्चों, इसी तरह से आपको ये गतिविधि पूर्ण करनी है। हमारी तीसरी गतिविधि है रंगीन वर्णों पर विसर्ग लगाकर शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ शब्द दिए हैं आपको, आपको रंगीन वर्णों पर विसर्ग की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं ये। छह, प्रातः, अतः, नमः, सने, पुनः, अंततः, दुख। तो बच्चों, इसी तरह से आपको ये गतिविधि पूर्ण करनी है। आपके लिए गृह कार्य रहेगा, दिए गए अभ्यास पत्रिका को पूर्ण कीजिए। धन्यवाद।